फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही, जैसे कोरोना वायरस की भी जो सिचुएशन है इस वक्त, वो प्रिंट आउट इस वक्त निकाल के साइन वाइन करना मतलब इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है वो चीज़। तो बेटर यही है कि आप अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको डिजिटली साइन करिए। अगर आप अभी तक नहीं करते थे इस चीज़ को फॉलो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर ऑल्सो अगर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। मतलब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उसका साइन करते हैं, स्कैन करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कहीं पर भी डिजिटली साइन करते हैं तो आपको डिजिटल साइन करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स मतलब वही है, आपको सिर्फ सिस्टम में ही रहेगा, आपको कहीं पे भी आपको सेंड करना है आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो डिजिटल साइन करने से के लिए सबसे पहले तो आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। तो आप किसी भी साइट से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ई मुद्रा से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और अगर आप चाहें तो DSC के लिए हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो DSC के लिए आप अप्लाई कर कहीं मतलब कोई को जो भी पार्टनर हो आपका, कहीं से भी अप्लाई करके उसके बाद आपका जब DSC बन जाए तो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको साइन करना है उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर लीजिए। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिखा। और आपको ये याद रखना होगा आपका एडोब रीडर के अंदर ये आपका जो डिटेल साइन होगा, तो कहीं पर भी आपको साइन करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे को यहाँ पर साइन करना है तो मैं कैसे साइन करूँगा। अब यहाँ पर मेरे को साइन करना है तो कैसे साइन करूँगा, सबसे पहले तो आप टूल में आ जाइए, यहाँ पर एडोब रीडर के टूल में आ जाइए। जैसे आप आएंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आ रहा है डिजिटली साइन, तो जैसे डिजिटली साइन पे आप क्लिक करेंगे आप इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर भी आपको साइन करना है वहाँ पर आप इस तरीके का, जहाँ पर जितने भी एरिया के अंदर आपको साइन करना है उतने एरिया के अंदर आप इसको खींच दीजिए। उसके बाद जैसे आप खींचेंगे उसके बाद आपको पूछेगा कि जो भी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर आपको आपने जो लगाया होगा, डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाना है अपने पेन ड्राइव पे अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाएगा, आप इसको कंटिन्यू करिए। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे इसको साइन करिए यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही आप यहां पे साइन करेंगे आपके पास इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेव करना है इसको। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस, तो यस। आप इसको रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे जो यूज़र पिन है आपका यहाँ पर उसको एंटर कर दीजिए, जो भी आपका पिन होगा। आप इसको चैलेंज कोड भी बोलते हैं हम, तो यहाँ पर उसको अपने यूज़र पिन को आप लॉगिन कर दीजिए, एंटर कर दीजिए टोकन पासवर्ड को। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये जो ब्लैक ब्लैक पीछे आ रहा है ये बेसिकली सिस्टम में एरर आ रहा है मेरे कुछ, ये आप दिक्कत मत लीजिए, आपके सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें ऐसी एरर आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको साइन कर देंगे तो इस तरीके की आपके पास आ जाएगा कि साइन होकर आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका डिजिटली अब साइन हो गया है। तो कहीं पे भी आप इसको करना चाहते हैं इस तरीके से डिजिटली साइन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिजिटली साइन होते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, इससे मोटिवेशन मिलता है फॉर फर्दर वीडियोज़। तो थैंक यू।